नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। खबर जयपुर से, जहां दो महीने से ज्यादा एक पाइपलाइन टूटी हुई है, लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा है। जनता परेशान हो रही है, लगातार हर रोज लाखों लीटर पानी बहे जा रहा है, लेकिन प्रशासन को अभी तक कोई सुध नहीं है। आपको बता दें कि यह घटना वार्ड नंबर 62 महात्मा गांधी नगर अजमेर रोड की है। यहां के लोगों का कहना है कि कई बार पार्षद विजेंद्र सैनी को कई बार शिकायत की, लेकिन इस समस्या का कोई हल सामने नहीं आया है। वार्ड नंबर 62 की सड़कें टूटी हुई है, सड़कों पर पानी इकट्ठा हो रखा है, सड़कों पर गंदगी हो रही है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी इस समस्या की कोई सुध नहीं ले रहा है। इस समस्या को और गहराई से जानने के लिए जनता दरबार पहुंचा है वार्ड नंबर 62 में और जाना है वहां के लोगों का हाल। आइए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। आज हम लोग आए हैं वार्ड नंबर 62 महात्मा गांधी नगर में। यहां पे जैसे जनता की समस्या आई है कि पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है यहां? यहां पे कम से कम एक डेढ़ महीना हो गया, थोड़ी सड़क टूटी हुई है और पानी बह रहा है, इतनी बदबू आ रही है, बच्चे बीमार पड़े हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो पार्षद से कोई बात हुई? पार्षद को हम नए नए यहाँ पे हम जानते नहीं है, अभी एक साल हुआ है यहाँ के। कौन सा हम जोरी बाजार से आए हुए हैं, वहाँ होता तो हम सब कुछ जान जाते हैं, नगर निगम सब। तो आप लोगों में से किसी की पार्षद से बात हुई? पार्षद क्या कहा पार्षद? उनने कहा करवा रहे हैं, और ये दिवाली के टाइम पर भी जब वो हुआ था तभी भी रिपेयर हुआ, पर फिर कंस्ट्रक्शन इन लोग का सिवरेज का स्टार्ट हुआ। और ये ड्रिंकिंग वाटर एक्चुअली मतलब जो पीने का पानी जो हमारे घर में आ रहा है वो बह रहा है। सरकार इतने अभियान चलाती है पानी बचाओ, पानी बचाओ, और यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं आपको एक्चुअल बताऊँ तो 5 डेज से कंटिन्यूस पानी 24 आवर्स बह रहा है और ये अजमेर रोड तक पहुँच गया है, डीएम मतलब एलिमेंट्स मॉल तक पहुँच गया। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने लाखों गैलन पानी हम बहा चुके हैं। जहाँ दुनिया में पानी पहुँच नहीं रहा है, हम वो लाखों गैलन पानी राजस्थान में तो ऑलरेडी पानी की इतनी कमी है, वो तो रेगिस्तान ही तो है ये, और तो भी और कहाँ से ये बीसलपुर से पानी आ रहा है और बहुत प्यार से हम इसको बहा रहे हैं। तो दिस इज अ मोस्ट वेस्टेज ऑफ अवर नेशन, नेशन का बहुत बड़ा वेस्टेज है। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब सिवरेज लाइन डलनी है तो उसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट की पानी पीने की जो लाइन थी उसको इन लोगों ने तोड़ दिया बनाते वक्त में, दो बार टूट चुकी है। और इसको पहले इनको हैंडल करना था कि ये रोड ठीक होनी चाहिए थी या पानी जो बह रहा है उसको रोकना चाहिए था, पर वो कंटिन्यूस अपने काम में बिजी हैं। तो उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपको? एमएलए से बात मतलब बात हो चुकी है, हमने 2-3 बार उनको रिक्वेस्ट मतलब कॉल करके भी किया है, पर अब तो टू मच दिख रहा है ना, फिर तो दिख रहा है कि हमको लग रहा है 2 दिन ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, पर तो ये कुछ ज्यादा हो रहा है क्योंकि आने जाने में भी इतनी दिक्कत हो रही है। आने जाने से ज्यादा मतलब मुझे तो सबसे खतरनाक ये लग रहा है कि विंटर्स का टाइम है, मच्छर रुकेंगे, बीमारियों का आएगा, और कितना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, इतना मतलब जो प्योरली हमारे पास में पीने के लिए आना चाहिए, हमारे उसमें जाना चाहिए, वो जस्ट सड़क पर बह रहा। क्या कहना चाहेंगे? ड्रिंकिंग वाटर ऐसा भी क्या, घरों में भी जा रहे हैं लोग, आते गंदा पैर रख के जा रहे हैं, और चाहो तो रोड मतलब यहाँ से देखिए और वहाँ से देखिए आप, मतलब इतना बह रहा है, 1 वीक तो हो गया इसको मतलब जिसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारे जिन्होंने ये काम किया उनको ही मतलब रिपेयरिंग करना है। ठेकेदार से हुई फिर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ठेकेदार को उनको खुद देखना चाहिए ना, सब अपने अपने घर में रहते हैं, पानी बहता है जब मालूम पड़ता है कि भाई टूटा हुआ है ये। तो पानी क्या मतलब आप लोगों के घरों में पानी आ रहा है या नहीं आ पा रहा है? पानी तो आ रहा है, लेकिन इसी लीकेज में पानी घरों में जाएगा ना, जो पानी लीक हो रहा है वही पानी तो घर में जाएगा। तो क्या मतलब प्रेशर कम हो गया उसका आने का? प्रेशर तो ठीक है एकदम से, लेकिन ये दूसरी और भी चीज़ें मतलब बीमारी की वजह से होता है, मच्छर भी हो सकते हैं और गंदगी कितनी है, मतलब बच्चों के स्कूल आना जाना मतलब वही पैर रख के बच्चे बस में भी चढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं, मतलब वही पैर जूते मतलब उनके जूते वैसे खराब हो जाते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग आए हैं वार्ड नंबर